हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक हाइड्रो एनर्जी। देखते हैं हाइड्रो एनर्जी क्या होती है। बच्चों, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड एनर्जी वी ऑल नो। तो जो एनर्जी हमें वाटर से मिलती है उसको हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। जब भी पानी है, पानी हमें हमेशा पता है कि हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो करता है। जब पानी फ्लो कर रहा है या कोई भी चीज़ फ्लो करती है, हमें पता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को यूटिलाइज किया जाता है इन हाइड्रो पावर प्लांट्स। यहाँ हम बात करें हाइड्रो एनर्जी क्या होती है। द काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर, द काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर और the potential energy present in the water is called hydro energy। हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए थे बच्चों, एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है कि जो भी मूविंग पार्टिकल्स हैं, जो भी मूव कर रहा है उसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जो अगर किसी चीज़ को आप एक ग्राउंड लेवल से उठा के ऊपर तक लेके जाते हो तो उसमें अगर वो मूव नहीं भी करे तो उसमें भी एनर्जी प्रेजेंट रहती है। वो कौन सी एनर्जी है? वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो या तो काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर में हो और द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टोर्ड वाटर एट हायर लेवल एंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टोर्ड वाटर एट हायर लेवल in the stored water at higher level is called hydro energy। उसको हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रो एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले समझा कि हाइड्रो एनर्जी होती क्या है। पानी के अंदर चाहे वो मूव कर रहा है चाहे वो रुका हुआ है, दोनों कंडीशन से पानी में एनर्जी है। बट मूविंग एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी बोला। अगर पानी को कहीं स्टोर करके रखा हुआ है और एक हायर लेवल पर ऊंचाई पर स्टोर करके रखा हुआ है तो जो पानी में एनर्जी प्रेजेंट है वो पोटेंशियल एनर्जी है और इन दोनों एनर्जीज को ही हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रो एनर्जी कह रहे हैं। अब बात क्या आती है बच्चों की हाइड्रो एनर्जी को हम यूटिलाइज कैसे करें, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंगली इन हाइड्रो एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कैसे यूटिलाइज करें, चलिए देखते हैं। तो हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइज करने के लिए एक पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। और जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट में बन रही है उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बनाया है हमने हाइड्रो पावर प्लांट का। दिस इज हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड इन गेनिंग एनर्जी एंड द प्लेस और द साइट वेयर दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड और फॉर्म्ड इज कॉल्ड द हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है उसे हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। अब सेकंड बनता है व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट when the kinetic energy of water is utilized, when the kinetic energy of water is utilized in producing electricity, it is called hydropower plant. And electricity is called hydroelectricity. Okay? Hydropower plant उसको बोलते हैं। कई जगह पर hydropower plants constructed हैं इंडिया में, जो सबसे बड़ा जो भाखड़ा नांगल डैम करके है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सरदार सरोवर डैम में भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
तो ये सारे जो प्लेसेस है जहां पर हम पानी की एनर्जी को यूटिलाइज करके एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब बात आती है बच्चों की पानी की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाए, पानी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बने। आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो लेसन में बताया था कि इस चैप्टर में हमें मेन क्या मोमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है बाय डिफरेंट वेज। और डिफरेंट वेज में से सबसे कॉमन वे क्या है, आपको उस टर्बाइन को घुमाना है। याद करो आप लास्ट वीडियो हमारा, जिसे मैंने जो बताया था कि माइकल फैराडे ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि मैग्नेट्स रखिए, मैग्नेट के बीच में ये आर्मेचर या इसको आप टर्बाइन भी कह सकते हो, इसको रोटेट करना है। इसको रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये एक फिनोमेना है। माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको घुमाना है, मेन मोटिव क्या है, इसको घुमाना है बस, और कुछ भी नहीं। इसको घुमाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट में हमने क्या देखा, हमने इस जो कॉइल है इसको हमने घुमाया कैसे, स्टीम से। अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रो एनर्जी, तो अब हम इस कॉइल को कैसे घुमाएंगे, वाटर से। तो देखिए एक कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है इसके अंदर में, हम ये देखते हैं। तो इसके अंदर जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं उनका कुछ फ्लो डायग्राम इस तरीके से, एक रिजर्वॉयर बनाया जाता है बच्चों। जो नदी का पानी होता है जो रिवर्स फ्लो करती है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, उसके पानी को रोक करके, थोड़ा पानी को रोक करके एक रिजर्वॉयर बनाया जाता है। रिजर्वॉयर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया गया है, ओके। जैसे गोविंद सागर है, भाखड़ा नांगल डैम का वो रिजर्वॉयर है, तो वहाँ पे पानी को इकट्ठा किया गया। तो हमने क्या किया, रिजर्वॉयर में पानी को इकट्ठा कर लिया, फिर उस इकट्ठे किए हुए पानी को हमने, ये डैम है बच्चों, ये डैम का स्ट्रक्चर मैंने दिया। आप लोगों ने देखा होगा डैम के अंदर क्या होता है, खूब सारे गेट्स होते हैं, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितना एक्स्ट्रा पानी आता है उस गेट्स को ओपन कर दिया जाता है। तो डैम्स में जो छोटे छोटे गेट है उनको टाइमली ओपन किया जाता है। जैसे ही गेट ओपन हुआ, जो रिजर्वॉयर का पानी था वो यहाँ पे आके फ्लो होना शुरू हुआ, वो फ्लो कर रहा है पानी। अब जब पानी फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर ये टर्बाइन प्रेजेंट है। टर्बाइन का मतलब हम क्या समझे, मैग्नेट और बीच में कॉइल, वो टर्बाइन और जनरेटर कनेक्ट हो जाता है, वो घूमना शुरू करेगा। अब यहाँ पे टर्बाइन किसकी वजह से घूम रहा है, यहाँ पे टर्बाइन घूम रहा है फ्लोइंग वाटर की वजह से। फ्लोइंग वाटर वजह से टर्बाइन ने रोटेशन शुरू किया एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो गया। सो इजी कहने में तो इजी है, बट ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ये सब कुछ बहुत महंगा पड़ता है इसका। लेकिन हाँ ये है कि एक बार अगर बन गया तो लॉन्ग 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 टर्म तक चलता है। तो इधर से जो पानी है वो भी यूटिलाइज हो जाता है, पानी खराब थोड़ा ना हुआ, पानी को हमने यूज नहीं किया, केवल पानी जो बहा उससे हमने टर्बाइन घुमाई। तो क्या किया बच्चों इसमें हमने, पहले सबसे पहले द वॉटर इज अलाउड टू फॉल ऑन टर्बाइन ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वॉटर द टर्बाइन स्टार्ट्स मूविंग। Due to the kinetic energy of flowing water, the turbine moves, the turbine rotates, and thus. The dynamo produces electricity. और dynamo क्या produce करता है? Electricity. इसको हम hydro electricity भी कहते हैं। ठीक है? तो ये इसका main concept है कि कैसे पानी को घुमाना है। अब बात करते हैं बच्चों जो hydro power plants या sources of energy में main questions बनते हैं कि इस concept के hydro energy की limitations क्या है? हाइड्रो एनर्जी की एडवांटेजेस क्या है, तो हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस कि इससे फायदा क्या क्या है, क्यों हाइड्रो पावर प्लांट को हमें इसको इतना यूज करते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, सबसे पहली एडवांटेज क्या है बच्चों, वो ये है कि इसके हाइड्रो पावर प्लांट के केस में
ये जो वाटर हम एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो वाटर ये जो प्लांट है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, कभी वाटर खत्म नहीं होगा. ओके, तो इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. दूसरी चीज, इसके अंदर में जो मेन रॉ मटेरियल है, व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वाटर. उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना. जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट में बात की थी, तो मेन रॉ मटेरियल क्या था, कोल. कोल को खरीदने के लिए तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, बट इन दिस केस वी डू नॉट नीड टू परचेज द रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन राइट रॉ मटेरियल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एक और इसमें नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या है कि इस केस के अंदर में कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट होगा. ठीक है, तो इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. कोई स्मोक नहीं निकल रहा, कुछ नहीं हो रहा, इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. अगर हम थर्मल की बात करें तो थर्मल के केस में तो क्या होता है, कोयले को बर्न करेंगे तो स्मोक रिलीज होगा, तो पोल्यूशन कॉज करता है. इसमें तो हमें किसी को बर्न नहीं करना, तो इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं. अब बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशंस की, कि हाइड्रो पावर प्लांट की लिमिटेशंस क्या क्या है. बच्चों इसकी लिमिटेशन भी बहुत है. सबसे पहली लिमिटेशन है हाइड्रो पावर प्लांट की, सबसे पहली लिमिटेशन क्या है बच्चों, फर्स्ट लिमिटेशन इज कि यह जो प्लांट है ये हर जगह नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता. इसकी कंस्ट्रक्शन हर जगह अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इसके बनने के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट के होने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए, फास्ट फ्लोइंग रिवर, जो हर जगह अवेलेबल नहीं. तो दिस प्लांट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस ओनली. दिस प्लांट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस ओनली, एट स्पेसिफिक प्लेसेस ओनली, वेयर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर प्रेजेंट. स्पेसिफिक प्लेसेस ओनली वेयर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर अवेलेबल या प्रेजेंट, वेयर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर अवेलेबल आर प्रेजेंट. ओके, दूसरी बात क्या आती है कि जो लिमिटेशन में हम बात करें, तो सेकंड लिमिटेशन है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. इसके जो सेटअप है उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत हाई है. तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ सेटअप इज वेरी हाई. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ सेटअप इज हाई, बहुत हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है. इतना सस्ते में नहीं हो जाता, ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े भारी प्रोजेक्ट्स. तीसरा जो इसका लिमिटेशन है बच्चों वो ये है, डैम्स. डैम्स के कंस्ट्रक्शन से इकोसिस्टम जो होता है उसको प्रॉब्लम आती ही आती है. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स disturbs the ecosystem of that area. ecosystem के अंदर बच्चों वहाँ का फ्लोरा फौना और जो आदिवासी लोग वहाँ रह रहे होते हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होती है, वो सब डिस्टर्ब्ड हो जाती है. तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब डैम्स की कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो उसको प्रोटेस्ट भी करते हैं कि डैम्स नहीं बनने चाहिए. क्यों? क्योंकि डैम्स के बनने की वजह से वो पूरे एरिया के जो जंगल्स हैं, जो उस पूरा एरिया का जो वेजिटेशन है, जो एनिमल्स है, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है. तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस थे. हमने तो तीन लिमिटेशंस देखी और तीन ही हमने इसके एडवांटेजेस देखे. तो ये था बच्चों हाइड्रो एनर्जी पावर प्लांट. नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लेते हैं विंड एनर्जी.